दोस्तों ये सिंगर कंपनी का रूम हीटर है, तो इसमें ये दोनों रोड काम नहीं करी, दोनों रोड चल नहीं रही हैं। तो हमें दोस्तों इसको रिपेयर करना है, और देखना है अगर रोड ख़राब है तो दोनों रोड ये चेंज भी करनी है। तो दोस्तों चलो इसको खोलते हैं, खोल के इसको रिपेयर करते हैं। ये रोड हम दोनों रोड भी लेके आ चुके हैं मार्केट से। ये आप देख लीजिए, ये रोड है इस तरह की, ये रोड होती है। तो ये आपको 40 रुपये, कहीं 50 की, कहीं 60 की, सब जगह थोड़ा सा 10-10 रुपये का अंतर होता है। तो इसमें वाट भी लिखे होते हैं, ये 400 वाट की है। तो चलो दोस्तों इसको खोलते हैं, खोल के इसमें देखते हैं क्या है, रोड ख़राब है या कुछ वैसे कमी है। तो दोस्तों इसके पेच लगे हुए हैं, ये आप सारे पेच खोल लेना पहले। तो दोस्तों इसमें 8 पेच लगे हुए थे, सारे हमने 8 के 8 पेच खोल लिए। अब हम इसको ऊपर उठाते हैं। जब भी कोई आप नई चीज़ खोलो तो उसको धीरे से खोलो, कभी कभी उसमें वायर वगैरह होते हैं तो पता नहीं होता फर्स्ट टाइम। तो तार तो दोस्तों इसमें ये स्विच, इसके स्विच के दे रखे हैं, ये इसके नीचे थर्मोस्टेट दे रखा है। ये दोस्तों ये थर्मोस्टेट है इसका। अब हमें इसको रोड चेंज करने के लिए दोस्तों ये हटाना पड़ेगा, ये जाली से काम नहीं, जाली नहीं है, ठीक है, जाली फिक्स है। तो दोस्तों जाली तो निकलेगी नहीं, क्योंकि जाली यहाँ पीछे से पेच में लगी हुई है। तो दोस्तों इसमें 2, 4, 6, 2, 8 पेच लगे हुए हैं, 8 खोलने पड़ेंगे। तो दोस्तों देखो ये वाले पेच हम आपको दिखा देते हैं, ये पेच, ये पेच, ये यहाँ है और यहाँ। ये पेच खोलने के बाद हमें ये पूरा पोर्शन बाहर आ जाएगा। तभी हम रोड बदल सकते हैं। दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल हैं, एक MKS रिपेयरिंग यानी एक MKS फाइंड सॉल्यूशन। दोनों ही मेरे रिपेयरिंग के चैनल हैं, आप दोनों ही सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों मैं उस पर डेली बेसिस वाली काफ़ी वीडियो डली हुई है, जो आपके रूटीन में यूज होती हैं चीज़ें, और उनकी इस तरह की वीडियो बनाई है, आप घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों हमने ये पेच तो सारे खोल लिए, लेकिन ये ध्यान रखें कि जैसे हमने पेच खुलाए, जैसे कुछ ये तार वगैरह तो सारे इसमें लगे हुए रोड में, इस दर से आप ध्यान रखें। जैसे एक तार है ये माइनस में लगा हुआ है नट के साथ, तो ये भी चीज़ ध्यान रखें, कभी कभी भूल जाते हैं। तो अब हम इसको हटाएंगे इस तरह। अब ये देखिए दोस्तों कितनी गंदगी भी है इसमें, तो गंदगी बहुत है। एक बार हम ये थोड़ा सा साफ भी कर लें गंदगी ब्रश मार के, क्योंकि इसमें बहुत गंदगी है। तो दोस्तों हमने इसको, ये देखो दोनों ब्लैक ब्लैक हो रही हैं, यहाँ से बीच से ब्लैक ब्लैक हो रही है। तो इसको बदलने के लिए दोस्तों इसे हमने खोलना पड़ेगा। ग्लास से इसमें ये दोनों तरफ जो नट है ना, नट खोलना पड़ेगा। ये आपको दिखाई दे रहा हूँ, और थोड़ी सी रोशनी कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमें यहाँ से इसको
दोस्तों एक नट खोल लिया हमने, इधर का नट बड़ा टाइट है। दोस्तों ये जो रोड है ना, तो रोड ऐसे नहीं निकलेगी दोस्तों। ये पत्ती है, ये आप दिखाई दे रही होगी, ये पत्ती के एक तरफ से आपने लॉक खोल के ये पत्ती आपको निकालनी पड़ेगी, तभी रोड निकलेगी। ये जो टीन की पत्ती है, एक हेलोजन वाली आती है, वो थोड़ी आसान होती है। ये देखो, ये हमें लोहे की पत्ती ऐसे करनी पड़ेगी। ये देखिए, ये वाली पत्ती दोस्तों, ये हटाने के बाद तब ये रोड निकलेगी। किधर की भी हटा सकते हैं आप, इधर की हटा ले चाहे उधर की हटा ले, एक रोड। ये देखिए काली पड़ गई, इसको एक बार चेक करके भी देखें। मीटर से दोस्तों खराब है, एक बार आप सही वाली चेक करें। ये चेक कर लेते हैं, ये देखिए ये हमारा मीटर है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये मीटर है। अब इस मीटर पे हम कंटिन्यूटी चलाते हैं, ये सुई चल रही है देखो डायरेक्ट में कंटिन्यूटी पे। अब ये हमारी नई वाली रोड है, अब हम इसको एक तरफ पॉइंट रखेंगे। ये पॉइंट रखेंगे, ये देखो सुई चल गई, ये देखो ये सुई चल गई, ये सुई चल गई। अब हम जो इसमें से निकाली है खराब, ये हमने इसमें ख़राब निकाली, तो अब इसको हम टेस्ट करते हैं। ये एक तरफ हमने ये लगा दी, ये देखो ये दोस्तों ये नहीं चल रही ना, ये देखिए इधर हमने ये लगा दी, इधर हमने ये लगा दी, नहीं चल रही। तो अगर कंटिन्यूटी पे चलती है तो सही है, नहीं चलती तो ख़राब है। ये आप रोड इस तरह भी टेस्ट कर सकते हैं। तो रोड एक तो हमारी ख़राब है, और वैसे हम दूसरी भी लगी लगी चेक कर लेते हैं एक बार, लेकिन तार हटा के चेक करना सही रहता, क्योंकि कंटिन्यूटी कई बार वो तार के थ्रू बोल जाती है। दोस्तों ये भी ख़राब है, ये हमने इधर लगा के देख ली, हमारी ये दूसरी रोड भी ख़राब है। तो कंटिन्यूटी पे अगर चल रही है तो रोड सही है, नहीं तो ख़राब है। तो चलो दोस्तों एक रोड बदलते हैं पहले, ये वाली नहीं ख़राब वाली हम सही अलग रख देते हैं। अब इसको बदलने के लिए दोस्तों, आपने लोहे की पत्ती निकाली तो यहीं से डालना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों अब इसमें ये हमने रोड तो फिट कर ली, ये वे जो पत्ती हमने निकाली थी, ये जो पत्ती हमने निकाली थी, ये पत्ती हमें यहाँ फिट करनी पड़ेगी, तभी ये रोड यहाँ पे टिक पाएगी। उसके बाद हमें कनेक्शन करने पड़ेंगे। तो ये अंदर लो के पत्ती को अंदर मोड़ दीजिए, ये देखिए ये पत्ती हमने यहाँ से मोड़ दी है। अब ये हमारी रोड यहाँ फिट हो चुकी है, अब हमने इसका कनेक्शन कर लेते हैं। पहले ये वाला जो तार था, और इसका नट हमने कहाँ रख दिया, इसका नट टाइट कर देते हैं।
ये हमने इधर कर दिया। अब दोस्तों इसका ये वायर है, ये दोस्तों हमने ये तो लगा लिया। इसी तरह हम इसकी दूसरी रोड भी ख़राब है तो दूसरी रोड भी चेंज कर सकते हैं। ये पत्ती आप यहाँ से भी खोल सकते हैं, इधर से भी खोल सकते हैं। तो पहले हम इसका कनेक्शन हटा देते हैं, फिर हम पत्ती हटाएंगे। दोस्तों ये पत्ती हमने इसकी इधर की हटा ली, अब ये रोड हटा देते हैं। रोड हमने टेस्ट कर ली थी, ख़राब है, इसको एक तब रख देंगे। तो दोस्तों ये जो तार है इसमें आगे एक पत्ती लगी होती है, वो तो इसकी वैसे होके शॉर्ट होके टूट चुकी है। तो अब हम इसको तार को छीलना पड़ेगा, छील के हम इसको वैसे ही लगाना पड़ेगा उसमें। ये दोस्तों हमने छील लिया है, छीलने के बाद अब इसमें रोड लगा देते हैं। तो दोस्तों जिधर से हमने पत्ती निकाली उधर से हम इसको डाल देंगे। अब हम ये जो पत्ती हमने निकाली थी अब हम पत्ती डाल देते हैं इसमें। ये पत्ती हमने इधर फिट कर दी है और ये पत्ती के कुंडे अंदर मोड़ देते हैं। दोस्तों अभी ये रोड यहाँ फिट हो गई। अब हम इसमें इधर का कनेक्शन यहाँ कर देते हैं। थोड़ा लिमिट में ही टाइट करें, ये कांचों तक ज़्यादा करोगे तो घूम के टूटने का भी डर रहता है। अब दोस्तों इधर का हमारा वायर ये इसका वो हट चुका था और हम इसको यहाँ पे इसको ऐसे लपेट देंगे। अब इसमें एक वायर सेल लगाए हम, एक वायर सेल लगाए। तो दोस्तों एक हमने वार्सल ढूंढ लिया, इसमें वार्सल लगा दिया। वार्सल लगाने से ना इस पर तार है ना थोड़ा दबा रह जाएगा।
थोड़ा तार को भी देख ले खींच के, कहीं लूज ना हो, निकल ना जाए, क्योंकि निकल जाएगा तो हो सकता है जाली वाली पे टच ना हो जाए, शॉर्ट हो जाए। तो वैसे तो सारी बॉडी प्लास्टिक की, लेकिन सामने वाली जाली लोहे की होती है, इसलिए सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों हमने ये लगा लिया, अब ये अब दोस्तों इसको बंद कर दें इससे। दोस्तों ये जो हमने पोर्शन खोला था, अब इसको हम बंद कर देते हैं। चलो दोस्तों एक एक करके पेच लगाते हैं। पहले पेच एक एक करके लगाएं, लेकिन उनको पूरा टाइट ना करें, हल्के हल्के सबको चूड़ी चढ़ा लें, क्योंकि कई बार कोई पेच आगे पीछे करना पड़ता है तो वो हो जाता है। तो दोस्तों हमने इसको बंद कर दिया। एक बार बंद करने से पहले आप तार को देख लें अच्छे तरीके कि जो हमारे कनेक्शन है वो ठीक है, कहीं पेच में ढीले वीले तो नहीं है। तो दोस्तों अब इसको हम बंद कर देते हैं। तो दोस्तों अब इसको पेच एक एक हम लगा देते हैं, वैसे फिर हम इसको फिर टाइट करते हैं एक बार, फिर चेक कर लेते हैं इसको। एक ही पेच लगाया तो हम इसको एक बार दोस्तों चेक करते हैं। दोस्तों देखिए दोनों रोड जलने लगी फर्स्ट क्लास, ये भी जल रही है और ये भी जल रही है। तो हमने इसमें लाइट देखी, अभी पीएच नहीं कसे तो एक बार चेक कर लिया। तो ये दोस्तों ये तो दोनों, ये अब एक रोड जलेगी एक बंद हो जाएगी, और दोनों जलानी है तो दोनों इस तरह जला सकते हैं। अब ये दोनों जल जाएंगे। आपको अब ये एक जल रही है, अब हमें दूसरी जलानी, तो देखिए ये दूसरी जलने लगी, ये दूसरी जल गई। अब आपको पीछे ये दोनों रोड जलने लगी। तो इसमें स्विच दिए होते हैं कि आपको एक बंद करनी है या एक जलानी है, ऊपर वाली जलानी है या नीचे जलानी है। तो आप कोई सी भी जला सकते हैं, ऊपर नीचे वाली, दोनों बंद करना चाहे तो दोनों बंद कर सकते हैं। तो अब हमने ये एक जला दी, दूसरी भी जला दी। तो देखिए दोस्तों दोनों हमारी रोड बिल्कुल ओके हो चुकी है। अगर आपके पास ऐसी सिंगर कंपनी की मशीन है तो आप सेम टू सेम ऐसी खोल के ऐसी बदल सकते हैं आराम से। आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपने मेरी वीडियो पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।